नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में। तो इसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बारे में। आज बात करने वाले हैं संघाई सहयोग संगठन के बारे में, SCO के बारे में। याद रखना है आपको कि आपके जितने भी महत्वपूर्ण संगठन हैं जो हम लोग ख़त्म करते जा रहे हैं, वो सभी एक जगह डाल दिए जाते हैं महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से। जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है उसी में डले रहते हैं, ठीक है। तो याद रखिए, संघाई सहयोग संगठन एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना की बात करें तो 15 जून 2001 में, कब? 2001 में, 15 जून 2001 में संघाई चीन में घोषणा में, संघाई चीन में हुई थी इसकी स्थापना। कब? 15 जून 2001 को। इसमें आपके चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान शामिल थे। 6 देश आपके शामिल थे इस समय। 2002 में आपका जो SCO चार्टर था उस पर हस्ताक्षर किए गए और ये आपका 2003 से लागू हुआ। कब से? 2003 से लागू हुआ। और 2017 में अस्ताना में जो इसका सम्मेलन हुआ उसमें भारत और पाक को पूर्ण सदस्य बनाया गया। तो आपको याद रखना है, संघाई सहयोग संगठन एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को संघाई चीन में हुई थी। संघाई चीन घोषणा हुई थी इसमें। आपका इस समय कितने देश थे? चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान। 2002 में इसके चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए इन देशों द्वारा। 2003 में ये लागू हुआ। 2017 में भारत पाक को पूर्ण सदस्य बनाया गया इसका। वर्तमान की बात करें हम लोग तो इसमें वर्तमान में 8 सदस्य हैं, 4 पर्यवेक्षक देश हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया इसके पर्यवेक्षक देश हैं। क्या है? पर्यवेक्षक देश हैं। याद रखना है आपको कि वर्ष 2001 में SCO की स्थापना से पूर्व कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान संघाई 5 के नाम से संगठन के सदस्य थे। ये आपका संघाई जो 5 संगठन था ये 1996 में बना। और 2001 में उज्बेकिस्तान के संगठन में प्रवेश के बाद संघाई 5 को SCO नाम दिया गया। और वर्ष 2017 में पता ही आपको भारत और पाक को इसका सदस्य दिया गया। वर्तमान सदस्यों की संख्या 8 है जिनमें आपके शामिल हैं कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान। पर्यवेक्षक देश आपने देख ही लिए, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया। अब इसके मुख्य लक्ष्यों की बात करें, लक्ष्य देखें SCO के, तो सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास एवं पड़ोसी संबंधों को मजबूत करना, राजनीति, व्यापार, अर्थव्यवस्था, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी एवं संस्कृति के साथ साथ शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण, अन्य क्षेत्रों में प्रभावी सहयोग करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता इसका संयुक्त प्रयास है। एक लोकतांत्रिक, निष्पक्ष, तर्कसंगत नए अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना। SCO के अन्य तथ्यों की बात करें हम लोग तो इसमें SCO ने मैं सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल HSC साल में एक बार इसकी बैठक होती है, महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय लेता है। दिशा और निर्देश तय करता है इसी समय। संगठन में आपके 2 स्थायी निकाय हैं। SCO सचिवालय इसका बीजिंग में है। रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर की कार्यकारी समिति ताशकंद में।
2019 में इसका CSO की बैठक हुई थी बिश्केक किर्गिस्तान में। ठीक है, तो ये था आपका SCU। आगे हम बात करेंगे सीसा के बारे में, CICA के बारे में। ठीक है,